गुलबर्गा एचकेई सोसाइटी मलक रेड्डी कॉलेज से मेडिकल स्टूडेंट्स ने कोलकाता आरजी कार हॉस्पिटल में लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर का बेरहमी से रेप और मर्डर किए जाने पर एहतजाज कर नाराजगी जाहिर की है। आजकल हर आए दिन मुल्क भर में छोटी बच्ची से लेकर बड़ी औरतों का रेप होना आम बात हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक सियासी नारा बनकर रह गया है। ना छोटी बच्ची सेफ है और ना ही बड़ी औरतें सेफ हैं। ना पढ़ी लिखी लड़कियां सेफ हैं और ना ही अनपढ़ लड़कियां यहां सेफ हैं। रेप करने वाले दरिंदे हर शहर में घूम रहे हैं और अपनी हवस मिटाने छोटी बच्ची हो या कोई भी उम्र की लड़कियां हो रेप कर बेरहमी से मर्डर कर रहे हैं। कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप और मर्डर होने पर गुलबर्गा शहर में तमाम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नाराजगी जाहिर कर रेपिस्ट को फांसी की सजा का मुतालिबा किया है। रेप बोलने के लिए आसान है, जिसके ऊपर बीतती है उसकी फैमिली जो सफर करती है वो शायद हम ऐसे हजार प्रोटेस्ट भी कर ले वो हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। ये जो भी है ये सिर्फ एज, हमें सीधे रहने से, हमें सीधा पहनने से, हमें यहाँ नहीं जाने से इससे कुछ मतलब नहीं है। ड्यूटी पे रहने के बावजूद भी ये सब हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, 3 ईयर्स ओल्ड को रेप करते हैं। वहाँ कहाँ रात में जाने की बात आई, वहाँ कहाँ पहनने की बात आई। वो तो छोटी बच्ची है जिसकी अभी मैच्योरिटी नहीं है, उसको रेप करते हैं अपने प्लेजर के लिए। अपने प्लेजर के लिए जो दूसरों की लाइफ खराब कर रहे हैं लोग, इनको इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हमारा कंट्री छोड़ के बाहर जो भी कंट्रीज है उधर एक एक्शन लेते हैं, नेक्स्ट टाइम कमिट करने से पहले सोचते हैं वो लोग। हमारे पास ऐसा नहीं है, रेप किए ओके हाई हाई है, हाई स्टेटस है, जाने दो, विल कवर इट, विल गिव सम पैसा उनका फैमिली को देखेंगे। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। वी वांट द सोल्यूशन, वी वांट देम टू हैंग, वी वांट द रेपिस्ट टू हैंग, वी वांट द जस्टिस। ये एक लड़की का सामने आया, ऐसे बहुत है, ये मेडिकल्स, नॉन मेडिकल्स, इन्फ्लुएंसर्स, हम चाहते हैं सब लोग इसको सपोर्ट करें ताकि नेक्स्ट टाइम कभी कोई कमिट करने से पहले सोचे कि ये करने से ये क्या होगा, उसकी लाइफ के बारे में सोचे। हम सब अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये तो है। तो अगर हम उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट अगर एक्शंस रहेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम करने से पहले सोचेगा। इधर एक्शंस नहीं है तो लाइट लेते हैं, करते हैं, एक को करेंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत सारे लोग छुपे हैं, बहुत सारे केसेस अभी हाइड है, बहुत सारे केसेस फिर से ओपन करना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए और इस पे बोलना चाहिए कि वी वांट लाइक जस्टिस, वी वांट, वी कांट गिव देयर डॉटर बैक, वी कांट गिव देयर लाइक व्हाट दे द डॉटर इज टू देम, वी कांट गिव देम, वी कैन जस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट, वी कैन जस्ट सपोर्ट देम, बट वी कांट गिव देम बैक व्हाट दे वांटेड। सो आई वांट एवरीवन टू सपोर्ट मेडिकल्स, नॉन मेडिकल्स, टू गेट द जस्टिस प्लीज। मैं मोहम्मद आलम पाशा, मैं डॉक्टर मेडक रेड्डी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट। मैं यहाँ पे जो हॉस्पिटल आरजे कार मेडिकल कॉलेज में जो रेप का वाकया हुआ, सो डॉक्टर नाइट ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो अपना पेशेंट को सर्व कर रहे थे, वो जब नाइट में सो गए थे जब उनके साथ एक वहाँ के गुंडे लोग आके रेप करके उनको म्यूचुअली मर्डर करे उनका। मैं तमाम लीडरों से गुलबर्गा के नॉर्थ रहते या फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के रहते श्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर की सेफ्टी के लिए एक लॉ पास किया जाए पार्लियामेंट में, न्यू पार्लियामेंट। और हमारे जो मेंबर ऑफ अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उनसे भी दरख्वास्त है कि यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। और जो रेपिस्ट है उनके लोग आके एविडेंस मिटा रहे हैं, 40 से 50 लोग जो नाइट ड्यूटी में ये कर रहे थे, पेशेंट्स देख रहे थे, उन लोग आके पूरा एविडेंस मिटाने के वास्ते पूरा हॉस्पिटल तोड़े। मैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ो के बातें करते हैं, यही है क्या उनका कानून, बेटी बचाओ बेटी पढ़ो। इस मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ उनके लिए कि ये बेटी का क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ब्रजभूषण के वास्ते वो ब्रेसलेट का भी गोल्ड ये चला गया। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे लीडर, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से, ये इसका मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाए और हमारे लिए एक कानून, सेफ्टी का कानून बनाया जाए। अभी तक इस कब जब से वुमेन के अगेंस्ट जो अन्याय चल रहा है, हर सिर्फ इस देश में नहीं हर जगह दुनिया में, कि अब कोलकाता से लेके यहाँ गुलबर्गा में भी छोटी छोटी बच्चियों से लेके बड़ी बड़ी औरतों के साथ जो दृश्य अन्याय हो रहा है, जिनके साथ रेप ये वो एक्स्ट्रा एक्सेट्रा कर रहे हैं, वो इतनी ये चीज है कि है, और
हम जो अन्याय के लिए लड़ रहे हैं ताकि फ्यूचर में ये पता चले कि लोगों का अवेयरनेस फैले कि ये सिर्फ महिलाओं को यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, ये कुछ करने से नहीं होता। अपने बेटों को, अपने हस्बैंड्स को ये चीज समझाएं कि महिला की रेस्पेक्ट करना सीखे सबसे पहले, क्योंकि जब रेस्पेक्ट आएगी जब ये ऐसे क्राइम्स घटेंगे, वरना ऐसी चीजें चलती ही रहेंगे दुनिया में जो जिंदगी बर्बाद करती है। विक्टिम सिर्फ विक्टिम की जिंदगी ही नहीं, आसपास के उनकी फैमिली मेंबर्स, उनकी माता पिता बहनों भाइयों पर जो असर पड़ता है वो जो बहुत तकलीफ की बात होती है। लड़की को कहते हैं कहाँ गई थी, कितने बजे गई थी, क्या पहना था। ये कलकत्ता का इंसिडेंट तो लिटरली डॉक्टर के सेमिनार रूम में हुआ है। किसने क्या गलती की थी, क्या ये की थी जिसके साथ ये अन्याय हुआ। और इवन 5 साल की बच्चियों का अगर रेप हुआ तो बोले दुनिया में कितने अजीब गरीब और कितने ये लोग हैं। कहते हैं लड़कियों को डॉक्टर बनाना चाहिए, अच्छे अच्छे कोचिंग देना चाहिए, तो डॉक्टर जब बनते हैं बेटियां तब माँ बाप कहते हैं कि डॉक्टर इज द सेफेस्ट डिग्री ऑक्यूपेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट जस्टिस अगेंस्ट दिस क्राइम्स टू द वुमेन हैपनिंग इन दिस कंट्री आफ्टर सो मच 678 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इन दिस कंट्री डॉक्टर्स आर कंसीडर्ड एज गॉड्स, इफ गॉड्स आर नॉट सेफ देन हु एल्स। वी वांट स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस क्राइम्स, द क्रिमिनल्स शुड बी कैप्चर्ड in 1 or 2 days and they should be hanged till death. They should be given capital punishment. No mercy for them. This country is heading toward destruction due to these crimes. If we want to develop this country, we should have to stop this types of crimes. We should have to teach our sons, not our daughters. We are teaching our daughters since centuries, but we should have to teach our sons. This is not the way to treat a woman. That woman can be your mother, your sister, your daughter. You should protect them, not rape them.